नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपको यदि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार प्रॉब्लम होती हो, डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से शिकायत हो रही हो, बार बार मसल्स में लगातार पेन होता हो, अस्थमा जैसी शिकायत होने लग गई हो, या आपको डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो गई हो, या होने की शिकायत वाले बॉर्डर पर हो रही हो, या बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो जिसमें अपन रिकेट्स की प्रॉब्लम बोलते हैं, तो क्या होगा, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, ओल्ड एज पर्संस में ओस्टियोपोरोसिस होने लग जाती है, ऐसी सिचुएशन का मतलब हो गया दोस्तों आपको विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी हो गई है। इस विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बहुत भयंकर बीमारियां भी होने लग जाती है, जैसे पेट में क्रोन्स नाम की डिजीज होने लग जाती है, फेफड़ों में ट्यूबरक्लोसिस होने लग जाता है, बार बार इन्फ्लुएंजा होने लग जाता है, आर्थराइटिस जैसी शिकायत होने लग जाती है, कैंसर भी इससे हो सकता है, और इसका मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना हो जाती है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको पूरी जानकारी दूंगा इस कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में, जैसे इसके लिए क्या खाएं, आपको क्या करना चाहिए, यदि बॉडी में कमी हो गई हो तो आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये हमारी बॉडी में और क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, हमें आगे बढ़ने से पहले जरूर बोलूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को इनेबल कर ले, और जितना हो सकता है सभी दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, फैमिली मेंबर्स को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं सभी तरह के वीडियोज अपलोड करता रहता हूं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि घरेलू नुस्खे, दवाइयों के बारे में, डिजीज का ट्रीटमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ज्ञानवर्धक रहता है। तो बाकी वीडियो भी आप जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इसमें हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। जब बात खाने की आती है तो सबसे पहले मैं बात कहूंगा धूप जरूर खाएं। धूप खाने से आपकी स्किन क्या करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस कर लेता है। फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड दूध, दही, इस तरह की चीज़ें खाना चाहिए। फोर्टिफाइड का मतलब उसमें विटामिन डी मिला हुआ है, और आपको पता है वाइट चीज़ों में जनरली कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे कि चीज़, मक्खन, पनीर, मछली, अंडे, मशरूम, इन सभी में कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। तो दोस्तों आपको इनको खाना चाहिए ताकि आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं हो। यदि आपको कमी हो गई हो तो आप कौन सी दवा ले सकते हैं, जैसे सेलकेल आता है, सेलकेल एक टैबलेट ले सकते हैं, सेलकेल एचडी आता है जिसमें विटामिन बी12 साथ में रहता है, उसी तरह सेलकेल सीटी आता है, कैल्सिट्रायोल फॉर्म में रहता है, उसी तरह से सेलकेल एक्सटी आता है जिसमें एडिशनल विटामिन्स अटैच रहते हैं या मींस उसमें एडेड रहते हैं, उसी तरीके से सिपकेल आता है जो सिप्ला का होता है, कैल्शियम और विटामिन डी3 का। सिमिलरली कैल्सीमैक्स आता है दोस्तों जिसमें हाई पोटेंसी कैल्शियम होता है, कैल्सीजन आता है कैडिला का, उसी तरह से डाइकेल डी आता है जो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है, मिलीकेल OD3 आता है जो अगेन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, कैल स्विफ्ट डी आता है जो न्यूट्रास्यूटिकल एंड न्यूट्रा सप्लीमेंट के तौर पे आता है दोस्तों, कैल्सीटेब आता है जो इंटास का आता है, लुपिकेल आता है जो लुपिन का आता है, ये बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स है, जैसे कैलोनेट आता है, एमक्योर का आता है। दोस्तों इन सभी को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जा सकते हैं, वहां पर आप खरीद सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये विटामिन डी और कैल्शियम बॉडी में कैसे काम करता है मैं आपको वो समझाता हूं। तो दोस्तों जब बात काम करने की आती है तो जहां पे बोन्स का डेवलपमेंट हो रहा हो, जहां मिल्क प्रोडक्शन हो रहा हो, उस जगह पे कैल्शियम और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गर्भावस्था कहूं, बच्चे को दूध पिलाने वाली मां कहूं, या छोटे बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है उस कंडीशन में, जैसे दांतों में हमारी इम्यूनिटी में बहुत स्ट्रांग रहता है, ओल्ड एज में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लंग्स को हमें मजबूत करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है, और हमारी पूरी बोन्स को मजबूत करता है, हमारी शक्तिशाली हड्डियां कर देता है, इस तरह से दोस्तों। अब बात करूंगा कैसे ये काम करती है। जब बात काम की आती है तो सबसे पहले मैं बात कहूंगा जो कैल्शियम और विटामिन डी थ्री, विटामिन डी थ्री सबसे ज़्यादा आपको रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे आहार नाल से, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचाने के लिए, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस चला जाता है, जैसे ही ब्लड में पहुँच गया
वो ब्लड में से कैल्शियम और फास्फोरस क्या होता है, हमारी बोन्स और टीथ में डिपॉजिट होता है, जिसको अपन बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। और आपको पता है कि ब्लड हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, वो किडनी के थ्रू फिल्टर होते टाइम ध्यान रहे कैल्शियम और विटामिन D3, इन सबको कौन बचाता है, विटामिन D3 बचाता है, जो क्या करता है वहां से अवशोषण को वापस कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी में ही वापस रहता है। तो और इस तरह से जो गर्भावस्था, बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं, और जहां पे बच्चों में डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे हमारी बोन्स को डेवलप करता है। इस तरह से दोस्तों कैल्शियम और विटामिन D3 बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबल होता है इस सभी चीजों के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका कौन कौन से साइड इफेक्ट है। जब बात साइड इफेक्ट की आती है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों, ये मजे की बात है। लेकिन बहुत ज्यादा आपने यूज कर लिया तो इसके कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद में किडनी स्टोन या किडनी फेलियर जैसी शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों इसको जब भी आप यूज करें तो आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। जब सावधानी की बात आती है तो रोजाना एक टेबलेट ले सकते हैं, इसको आप लगातार 1 से 2 महीने ले सकते हैं, लेकिन मैं आप जरूर कहूंगा डॉक्टर की सलाह से लें। और यदि डॉक्टर सलाह आपको ज्यादा दिनों के लिए बोलता है तो जरूर आपको उस कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों इसके लिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा ना खाएं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाएं, खाना खाने के बाद में लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसको ना तोड़ें ना उसको फोड़ें, उसको एस सच लें। यदि आप दारू पीने या अल्कोहल के कंजप्शन के आदि हैं तो आपको वो नहीं करना चाहिए। दोस्तों गर्भवती महिलाएं और बच्चे की माताओं को ये रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो ध्यान रहे उनको ये कंजप्शन ज्यादा करना चाहिए। यदि आपको इससे एलर्जी है तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो ध्यान रहे डॉक्टर की सलाह से ही आपको अपनी डोज डिसाइड करनी चाहिए। दोस्तों जो मैंने आपको ये जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी दोस्तों, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक जरूर चीज लूंगा, आपको कौन सी जानकारी चाहिए, कौन सा घरेलू नुस्खा चाहिए, कौन सा आपको प्रॉब्लम है, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% कोशिश करूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दूंगा। दोस्तों यदि आप कोई भी दवाई लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें और उस शॉप से ही दवा खरीदें जहां पे फार्मासिस्ट हो, क्योंकि फार्मासिस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर करेगा उस दवा के बारे में और आपकी हेल्थ के बारे में। दोस्तों यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। दोस्तों यदि आपको ये काम अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए आपको क्या करना, थैंक्स का बटन दबाना है। थैंक्स का बटन दबाने होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।